देखिए, अब जजमेंट आएगा तो क्या देश है, एक बार पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसिस नहीं, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुँचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था, आज नहीं कल, तो ये कराना ही है चाहे कहीं की भी सरकार। बिना इसके ना राज्य आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना गरीबी, ना पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और इसको देखते हुए हम सब लोग जो हैं कई बार मांगे की, संघर्ष किया लोगों ने, ये तो बातें आ ही गई। लेकिन आप देखिए, जो बिहार गरीब राज्य है, अपने ही रिसोर्स से, जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो अपने ही रिसोर्स से हम लोग जो है ये करा देते हैं सर्वे। और केंद्र सरकार तो ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, सौतेला व्यवहार करती है। और हम लोग जब अपने ही बलबूते, जब गरीबी, पिछड़ापन और समाज के अंतिम पैदान को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी के लोग खुशियाँ मनाते हैं, लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि ये हो। अगर रियलिटी क्या है वो सामने ना आ जाता, भाई कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं, कौन लोग कचरा धोने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से चिन्हित करके सरकार जो है लाभ पहुंचाती लोगों को। अब कोई एक जाति की बात नहीं थी, सबकी बात। तो अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसको हम लोग देखेंगे, बट जजमेंट देख लिया जाए फिर स्कोप क्या है, वो तो ऑप्शन है ही, लेकिन एक बार जजमेंट आ जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय हम सब लोगों के साथ लेंगे उनके नेतृत्व में, वो हम लोग करें। आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ये होना तो है ही, चाहे हम आगे हो या हर राज्य में हो, होना ज़रूरी है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इसकी लड़ाई लड़े हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि ये काम हो। हम लोग एकदम काम करेंगे ना भाई, काहे नहीं आवाज़ उठाएंगे। जो काम चल रहा है, सरकार का लगभग काम पूरा ही हो गया था, अब कोर्ट का निर्णय अगर स्टे का आया है तो एक बार कोर्ट का आदेश बिना अध्ययन किए हम अभी कैसे बोल सकते हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष पर रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष पर रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे, मतलब क्या है? इन लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग करें। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रहे। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है।